हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ले चलूँगा प्रयागराज के समीप मनगढ़ भक्ति धाम पर। यह श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा बनाया गया है कुंडा में। अंदर घुसते ही कुछ इस तरीके की हरियाली नज़र आएगी जो चलने में थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। आगे चलते हुए बाईं ओर ये महाभारत वाला दृश्य है जिसमें श्री कृष्ण सारथी हैं और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार। एक पल के लिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं सच में महाभारत युग में आ चुका हूँ। देखिए क्या सुंदरता है। आगे बढ़ते ही मेन मंदिर भी नजर आने लगता है। लाइटिंग देखिए, यहाँ पर सच में जाने का जो असली मजा है वो शाम को ही है। मौसम भी अच्छा था। ये देखिए काफ़ी बदलता जा रहा है, वर्ष प्रतिवर्ष ये लगातार बदलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं लगता है। ये एंट्री गेट है एक तरीके से। देखिए ये स्कूल के बच्चों का भी टूर है। लगातार लाइटिंग चेंज हो रही है, अपना कलर चेंज कर रही है जो और ज़्यादा सुंदर नज़र आता है। राइट साइड में है ये और लेफ्ट साइड में ये देखिए ये झांकियाँ लगी हुई हैं। श्री कृष्ण के जीवन के अलग अलग दृश्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। बांसुरी बजा रहे हैं। सामने से ऐसा लगता है जैसे अभी बोल देंगे श्री राधे राधे, हर तरफ यही गूंजता रहता है। ये देखिए लेफ्ट साइड में ही ये भी है। ये पूरा राम दरबार है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता मैया और श्री हनुमान जी, ये राधे कृष्ण। और ये हैं हमारे कृपालु महाराज जी जिन्होंने इसको बनवाया है। और अब इनकी बेटियां संभाल रही, इनकी तीन पुत्रियां हैं और तीनों एक एक जगह को संभाल रही हैं। और ये हमारा कुंडा का है, यहीं पर उनका जन्म भी हुआ था श्री कृपालु महाराज का। ये एक बहुत बड़ा ह्यूज मॉन्स्टर स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें उनकी ही लीलाएं दिखती रहती हैं, श्री कृपालु महाराज द्वारा जो चीज़ें हुई। ये दृश्य जो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठा लिया था श्री कृष्ण ने, ये लीला का है, रासलीला का। अब हम लोग मुख्य मंदिर की तरफ चल रहे हैं। सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से एकदम नज़ारा दिखाता हूँ। ये भक्ति मंदिर श्री राधे राधे, पूरा देखिए ये लेफ्ट साइड में है। और जस्ट इसके फ्रंट में ये नज़ारा है जो ये नया बन रहा, भी ये खुला नहीं है, इसमें लोगों को आने जाने की अभी अनुमति नहीं है। ये मेन वाले भक्ति धाम यानी जो मंदिर है उसके अगल बगल का सीन है। श्री कृष्ण की लीलाएं दिखा रही हैं और बिल्कुल ऐसी है जो मूर्तियां कह लीजिए या जो ये कलाकृति है, ऐसा लगता है बिल्कुल सच में हो रहा है सामने। आपको एक बार जाना जरूर चाहिए वहां।
और जो ऐसे लोग होंगे जो कह रहे होंगे मैं जा चुका हूँ, उनको फिर से जाना चाहिए, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा ये भक्तिधाम प्रतिदिन बनता रहता है और हमेशा ही बनता रहता है, मान्यता कह लीजिए या कुछ भी। जितनी बार आप जाएंगे वहाँ उतनी बार आपको कुछ नया मिलेगा। मैं यहाँ पर तीसरी बार आ रहा हूँ, हर बार मुझे नई चीज़ें मिली हैं। देख रहे हैं, अब हम चलेंगे अंदर की ओर, लेकिन अंदर फोटो लेना मना है इसलिए मैंने नहीं लिया, और आप लोग वहां खुद जाइए मेन दर्शन के लिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। राधे राधे।